आज शाम 5:30 बजे की घटना है। मैं अपने कार्यालय पर बैठ करके चुनाव संबंधी काम कर रहा था, अपने समर्थकों के साथ बातचीत कर रहा था। इसी बीच 25 से 30 की संख्या में निवर्तमान पार्षद रविंद्र निषाद, जो जिला बदर है प्रशासन के द्वारा, वो आए, हमारे झंडा बैनर को नोचने लगे। मना करने पर मैं मेरे कार्यालय में घुस आए और यहाँ पर रखा हुआ हमारा पोस्टर और वोटर पर्ची को फाड़ने लगे। मना करने पर उन्होंने बद्दी गालियाँ दी, धमकी दिया, यहाँ तक कि उन्होंने असलाह भी निकालने की कोशिश की। जब हमारे लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने भागना शुरू किया और भागते हुए उन्होंने भविष्य में धमकी दी, भविष्य में देख लेने की धमकी देते हुए। इसके पहले भी कोई आपसे लड़ाई थी? देखिए, इसके पहले वो पार्षद के कैंडिडेट वो भी थे, प्रत्याशी थे, मैं भी प्रत्याशी था। वो भू माफिया है, उसके ऊपर बलात्कार का केस है, हमारे क्षेत्र की कई महिलाओं के साथ उन्होंने रेप किया है, विद्यालय के जमीन को उन्होंने, प्राथमिक विद्यालय के जमीन को उन्होंने कब्जा किया है, ग्राम सभा के जमीनों को उन्होंने कब्जा किया है, निषाद समाज के जमीनों को उन्होंने कब्जा किया है, निषाद समाज के ही बहन माताओं बहनों के साथ उन्होंने रेप किया है, लूट किया है, हत्या जैसे जघन्य अपराध उन्होंने किया है। सारी घटनाएं उनके खिलाफ दर्ज हैं। उसी के मद्देनजर प्रशासन ने उनको जिला बदर किया था, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय में बैठे हुए एक बाबू जो शाही है, पेशकार है, जिला बदर की सूचना और रविंद्र निषाद को उसने दे दिया और उसी पर वो जाकर के हाईकोर्ट से स्टे ले आया और उसी पर चुनाव लड़ रहा है। हमारी प्रशासन से मांग है कि उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और दोषी कर्मचारी जो जिलाधिकारी कार्यालय में बैठा हुआ है, प्रशासन की खबरों को लिख कर रहा है, उसको बर्खास्त करें की मांग।